अगर आप वोट नहीं आज देते हैं, अगर आप लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा ये 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। मैं यही अपील करूंगा कि घर से बाहर आए और वोट करें। अगर आप जाग गए हो तो बस मरना मत, बहुत मर मर के जिए हो, ऐसा जीना अब छोड़ दो। मेरा भारत अब विकसित भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अखंड भारत बनने वाला है। बहुत ही कमाल हुई है, तोहफा देता है आज के दिन चाहते हैं। और मेरे माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए, ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं अपना काम कर रहे हैं, आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं, लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा ये 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनिसपैलिटी कॉर्पोरेशन से समय BCCI से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ में ही है, कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए आप घरों से निकलिए और मेरी तरह वोट करिए, इसे भी आप चाहते हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए सर, क्या चाहिए? प्रगति, अपने अधिकार, मानवाधिकार, हमारे खुद के अधिकार, हमें क्या चाहिए, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा हो, उज्ज्वल कैसे हो, भारत का सशक्तिकरण करने को लेकर दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का त्योहार है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बॉलीवुड के कई लोग अभी भी वोट करने अलग अलग जगह में पहुंचे, ऐसा 5 बजे तक है, अभी से क्यों इस बारे में परेशान होना, आएंगे सब लोग आएंगे। किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आए और वोट करें। इस बार आप क्या कुछ सोच कर बोलते हैं? मैं किसी विषय पे और चर्चा नहीं करूंगा, मैं यही अपील करूंगा कि घर से बाहर आए और वोट करें। आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है, और ऐसे तो मेरा भारत भी अनोखा है, निराला है, पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है, और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक, लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। वन नेशन क्यों है मेरे भाई? अरे बोलने तो यार, हमें बोल रहा है, बोलने को बोले तो सुनो। मुंबई इस पृथ्वी से निराला इसलिए शहर है कि देखिए कितनी लाइनें लगे, कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पसीने में लोग नहा रहे हैं लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा मुंबई, ये है मेरा भारत। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है, भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर आप जाग गए हो तो बस मरना मत, बहुत मर मर के जिए हो, ऐसा जीना अब छोड़ दो। मेरा भारत अब विकसित भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अखंड भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अनोखा भारत बनने वाला है। 1000 साल पहले का जो मेरा भारत था, कोई बीमार नहीं होता था, हर घर में खुशहाली थी, घर में आवंटन नहीं होते थे, लोगों के अंदर उत्साह होता था, चादर चाहे कितनी भी छोटी बड़ी हो फिर भी आनंद से विभोर होते थे लोग। वैसा ही वैभव, वैसी ही गरिमा, वैसी ही अस्मिता मेरे भारत की लौट रही है। ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है, बस अब सोना मत। बहुत दड़ मार के पड़े, बहुत आलसी हुए, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। अब मत सोना, अब जाग जाना, अब जागे रहना, बस राष्ट्रहित के लिए वोट करते रहना। ऐ मेरे भारत, ऐसे ही रहना। आप लोगों के भी पसीने आ रहे हैं कितने, लेकिन मंद मंद आप सब मुस्कुरा रहे हैं। हमने अभी वोट की अपील की थी 2 दिन पहले, कम से कम 3 लाख भारत भर में, ये मुंबई भर में दौड़ा दी आप लोगों ने, क्या आप चमत्कारी हैं कि मेरे भारत को अनोखा बनाने वाले आप हैं अनोखे। आज के लिए कोई गाना गुनगुनाना चाहिए? हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। युवा देश का संभल रहा है, दिशा देश की बदल रहा है, घर से निकलो
आगे आओ, सोचो समझो, बटन दबाओ, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो मेरे भारत। अगर उज्जवल भारत चाहते हो, अगर विकसित भारत चाहते हो, अगर भारत के वही वैभव चाहते हो, अध्यात्म से परिपूरित हंसता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, अगर वैसा मेरा भारत चाहते हो, मेरे भारत में सड़कें चाहते हो, मेरे भारत में अस्पताल चाहते हो, बेसिक बुनियादी सुविधाएं चाहते हो, गरीबी मिटाना चाहते हो, ऐ मेरे भारत, इस पूरी दुनिया का एक विकल्प है, वोट दो। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहें? बस ये भी मेरा दाता अब कर देगा, पहले से गाना बना रखा है। भारत के ऊपर आपको क्या कहना है? किसके भारत के ऊपर? अरे भैया, हर बात के ऊपर कहा गया है, हमने गाने पहले ही बना लिए हैं, आप समझ लीजिए। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की मनोरथ भी संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब भारत में यज्ञ हो रहे हैं, अब काम नहीं होते भारत में, अब अनुष्ठान होते हैं, अब संस्कार होते हैं, अब वो हो रहा है, अब मेरा भारत जाग रहा है। ओ ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। पहले तो चंद सिक्कों में हम बिक जाते थे, अब हमें पता है कि हम नहीं बिकेंगे। अब हम अपनी अस्मिता को, अपने गौरव को, अपने वैभव को बचा के रखेंगे, अपने सम्मान को, अपने आत्मसम्मान को पूरे विश्व में कीर्तिमान बनाकर, प्रतिमान बनाकर स्थापित करेंगे। हरिओम।